हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 का जो पेपर होने वाला है उसमें कंप्यूटर साइंस के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। टर्म 2 जो मॉडल पेपर दिया गया झारखंड बोर्ड की तरफ से। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी कि इस बार पेपर जो बनने वाले हैं वो मॉडल सेट से ही बनेंगे, ठीक है। तो 50% से ऊपर क्वेश्चन आपको मॉडल सेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मॉडल सेट आपकी प्राइमरी प्रियोरिटी होनी चाहिए। उसको पहले ख़त्म करो, फिर उसके बाद शर्मा गैस पेपर, जो भी गैस पेपर आपको करना है उस पर आप कमांड करोगे, ओके। सो हम लोग अभी देखेंगे कंप्यूटर साइंस के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सेट 1 टर्म 2, ओके। पूछा जा रहा है यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज़ डेवलप्ड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आंसर, बट इसको देख लेते हैं। C++ वॉज डेवलप्ड बाय, ये है, इनका नाम है बार्ने स्ट्रोस्ट्रप्स। अब यहाँ पर जे साइलेंट है इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, बार्ने स्ट्रोस्ट्रप्स। ये इनके क्या हैं, डेवलपर हैं, जो जिन्होंने डेवलप किया था। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज टोकन। C++ प्रोग्रामिंग में टोकन किसे बोलते हैं? तो टोकन किसे बोलते हैं वो जानते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। अब टोकन क्या बोला, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्सिकल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। क्या बोला गया, किसी प्रोग्राम का लैक्सिकल यूनिट भी टोकन कहलाता है, ओके। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है वो देख लो। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। अब क्या बोला गया, इसको एज इट इज लिख देना, इन द एरे कॉल्ड सर्चिंग। क्या बोला गया, वैसा प्रोसेस जो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे कॉल्ड सर्चिंग, जो हम लोग सर्च करते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूछा जा रहा है व्हाट इज DBMS। अब DBMS होता क्या है ये जानो। DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कंप्यूटर बेस्ड है और क्या करता है वो, रिकॉर्ड को ये करता है, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। क्या बोला गया, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, दैट्स इट। DBMS शॉर्ट नोट्स लिखने आते हैं इन सभी चीजों पर, और इनका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज LIFO इन स्टैक। LIFO जानते हैं, LIFO इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। स्टैक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, LIFO, LIFO, लास्ट इन। LIFO इज स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। वैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे कोई लास्ट में लगा लाइन में और उसको पहले निकाल दिया गया, तो इसमें भी वही है कि दैट इज डाटा इंसर्टेड लास्ट, डिलीटेड फर्स्ट। जो डाटा लास्ट में इंसर्ट किया गया हो या फीड किया हो वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो इसका यही मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट्स इट। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा जा रहा व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C++। अब देखो सवाल ये है ना, क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ज़्यादा अपन लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इन C++ अर्थमेटिक ऑपरेशन रिप्रेजेंट क्या, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉड्यूलस, फिर से क्या। अब देखते हैं इसके बारे में क्या थोड़ा सा लिखा हुआ है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C++। C++ में 2 कैटेगरीज हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, पहला यूनरी अर्थमेटिक, दूसरा बाइनरी अर्थमेटिक। अब जानते हैं यूनरी अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। अब अपन आते हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स में, जिसमें आता है अभी मैंने बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये सब उसके सिंबल हैं। अब इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सेट 1 के, ये सेट 1 है आपके मॉडल पेपर का, जो क्लास 12 सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 में आने वाले हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है LAN स्टैंड्स फॉर व्हाट। फुल फॉर्म पूछ दिया ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। So LAN stands for L local, A area, N network, which means local area network. Okay, done. जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग. Who has developed the programming language? किसने डेवलप किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? बार्ने स्ट्रोस्ट्रप. अब क्या बोलते हैं, टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन. इसी को हम लोग लैक्सिकल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम भी बोलते हैं. अब कि वो वैसा प्रोसेस बताओ जिसमें फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड सर्चिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज DBMS? DBMS का फुल फॉर्म होता है, स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक तरह का रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है कंप्यूटर में. Next, what is LIFO in stack? LIFO in stack. LIFO is a principle, walking principle of a stack. Stack के walking principle को LIFO. अभी क्या है? LIFO it stands for last in first out. Last in first out. जो भी डाटा इंसर्ट किया गया लास्ट में, उसको सबसे पहले डिलीट किया गया. नेक्स्ट, व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C++? अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के यहाँ पे कैटेगरी बनाए गए हैं, यूनरी और बाइनरी. यूनरी में क्या होता है? यूनरी प्लस, यूनरी माइनस. और बाइनरी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, दैट्स इट. LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, दैट्स इट. मैं इसी तरह बहुत जल्दी पांचों सेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर. ओके, और मैं कोशिश करूंगा 2, 3 और 5 मार्क्स के भी जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले मैं सारे क्वेश्चन को अपडेट कर दूं. ओके, सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और एक खास बात आप लोगों के लिए, देखो जनरली ना सब लोग अभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, क्या पढ़ लें, किसको पढ़ लें, कैसे पढ़ लें. मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको ये नहीं करना है. मॉडल सेट झारखंड बोर्ड ने दे रखा है, 5 मॉडल सेट, एटलीस्ट उसको खत्म तो करो, पता चलेगा आप खत्म कर पा रहे हो या नहीं. पहले उसको खत्म करो, वो खत्म कर लेते हो तो सिमिलर आप शर्मा गैस पेपर या वर्मा गैस पेपर जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसको लो और उसको खत्म कर दो. ठीक है, यही आपके लिए एक अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मॉडल सेट टर्म 1 और टर्म 2 अगर आप खत्म कर लो ना एग्जाम से पहले, तो सोचना कि आप कुछ और पढ़ सकते हो. अभी डाइवर्ट होने का समय नहीं है. अभी क्या है, मॉडल सेट पेपर को जितनी बार लगा सकते हो एग्जाम से पहले, जितनी बार, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा. ओके, और सुनो मैं बता रहा हूँ, हम लोग अभी इसी साथ रेगुलरली टर्म 1 के भी कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहा हूँ, ये लॉन्ग वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं प्लेस करूँगा. आप लोग जितना हो सके ना इसका यूज़ करो. मैं ये नहीं कहता, मैं बता रहा हूँ, आप मेरा ही देखो. इट डजेंट मैटर. मैटर क्या करता है, आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हो, कहाँ से आपको समझ में आ रहा है. ओके, आप उसको फॉलो करो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मॉडल पेपर टर्म 1 टर्म 2 जितनी बार ख़त्म कर सकते हो, सारे दीवार में चिपका लो. अपने घर के जितने भी वॉल है ना आपके, दीवार में चिपका लो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है. हर समय उसको देखते रहो, क्योंकि क्या होता है ना, अपन जो चीज़ देखते हैं और जो चीज़ सुनते हैं वो बहुत जल्दी याद रहता है, बशर्ते पढ़ने के. तो आपको क्या करना है, उसी मेथड को यूज़ करना है. दीवार में हर एक सेट का क्वेश्चन पेपर अगर बना नहीं पा रहे हो तो आंसर उसको कट आउट करके उस पर चिपका लो. लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बेनिफिशियल है. एग्ज़ाम के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक चार्ट पेपर बना लो ना, पूरा सेट उसमें निकाल कर दीवार में चिपका दो. जब दिल करे एक बार देख लो उसको, सोने से पहले देख लो, उठने के बाद देख लो, और दिन भर तो आपको पढ़ना ही है. और प्लस ये नहीं कहा गया है कि आप पागलों की तरह दिन रात पढ़ो, नहीं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ो. क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट स्टडी, ना कि रटते रहना, नहीं, स्मार्ट स्टडी करो. ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को याद करने में आपको समय नहीं लगना चाहिए. अगर आपको समय लग रहा है विच मीन्स आप अभी बहुत पीछे हो. मैं फिर बता रहा हूँ, टर्म 1 टर्म 2 के मॉडल पेपर को ख़त्म करो. 50% से ज़्यादा मार्क्स तो यहीं से आ जाने वाले हैं आपके, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी से को रिलेटेड होंगे. बस आपको उसको ख़त्म करना है. ओके, चलो, टेक केयर.